सलमान की हीरोइन वांटेड गर्ल एक्ट्रेस आयशा टाकिया ने अपनी मासूमियत और खूबसूरती से लाखों दिलों को जीता, लेकिन आजकल वो अपने लुक्स की वजह से सुर्खियों में हैं। हाल ही में आयशा ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की, जिसमें आयशा नीले और गोल्डन बॉर्डर वाली कांजीवरम साड़ी में दिखी, जिन्हें देखकर उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो गया। उनका लुक पूरी तरह से बदल चुका है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है। यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि शायद आयशा ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। आयशा के इस नए लुक के कारण उन्हें सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जा रहा है। लोग उन्हें लेकर मजाकिया कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने चेहरे को बर्बाद कर लिया है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब आयशा प्लास्टिक सर्जरी की वजह से सुर्खियों में आई हैं। इससे पहले भी उन्होंने लिप फिलर की सर्जरी कराई थी, जिसके बाद उनका चेहरा खराब हो गया था और वह पूरी तरह से फिल्मी पर्दे से दूर हो गईं। आयशा टाकिया ने साल 2004 में फिल्म टार्जन द वंडर कार से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि असल पहचान उन्हें सलमान खान के साथ फिल्म वांटेड में काम करने के बाद मिली, लेकिन फिल्मी करियर ज्यादा लंबा नहीं चला और उन्होंने शादी करके इंडस्ट्री से दूरी बना ली। आयशा टाकिया की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 23 साल की उम्र में अपने बॉयफ्रेंड फरहान आजमी से शादी की थी। फरहान समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी के बेटे हैं। दोनों ने 1 मार्च 2009 को शादी की और शादी के वक्त आयशा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। 2013 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम मिकाइल रखा। तो दोस्तों, ये थी आयशा टाकिया की कहानी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।